एमपी सरकार ने शिवराज से पीछा छुड़ाने की कोशिश की शुरू। शिवराज की नीति को छोड़ेंगे मोहन यादव, दे दिए बड़े संकेत। शिवराज की जगह योगी सरकार की नीतियों करेंगे कॉपी। शिवराज सरकार ने आम लोगों की मदद करने के लिए कई लोक लुभावन योजनाएं शुरू की थी, जिसमें से लाडली बहरा योजना गेम चेंजर मानी गई। देश के इतिहास में शायद ये पहला मौका होगा जब कोई सीएम दो तिहाई से ज्यादा सीटें अपनी पार्टी को दिलवाए, उसके बावजूद उसकी सीएम पद से विदाई कर दी जाए। जो काम नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी तक करने का साहस नहीं जुटा पाए, वो काम मोदी सरकार ने कर दिया। अपने सबसे मजबूत और लोकप्रिय चेहरा माने जाने वाले नेता शिवराज सिंह चौहान की सीएम पद से विदाई कर दी। शिवराज ने भी चुपचाप हाईकमान का आदेश स्वीकार कर लिया, लेकिन इसके बाद शिवराज के पक्ष में प्रदेश में जो सहानुभूति का ज्वार उठ रहा है, उसने हाईकमान को जरूर परेशान कर दिया है। फिलहाल हाईकमान की नजर शिवराज के अगले कदम पर लगी हुई है, तो दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान भी हाईकमान के अगले कदम पर नजरें बनाए हुए हैं। देखना यह है कि पहल किस ओर से होगी, लेकिन एक बात तो साफ है कि शिवराज बगावत नहीं करेंगे और चैन से बैठेंगे भी नहीं। दूसरी ओर मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार ने साफ कर दिया है कि अब वो शिवराज की योजनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं देगी, उसका पूरा ध्यान केंद्र की योजनाओं पर ही रहेगा। केंद्र की योजनाओं को ही जमीन पर लाना है, शिवराज की योजनाओं को तो धीरे धीरे डिब्बा बंद किया जाएगा। लाडली बहना योजना भी संकट में दिख रही है और शिवराज जिस लखपति बहना की बात कर रहे थे, अब उस पर तो अब विचार तक नहीं हो रहा है, ये साफ हो गया है। मोहन यादव अब लोक लुभावन योजनाओं की जगह योगी सरकार के हार्ड हिंदुत्व की राह पर चलेंगे और उसे ही कॉपी करने की उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। सीएम बनने के बाद उन्होंने शुरुआत में जो फैसले लिए हैं, उसमें से साफ दिखाई दे रहा है कि मोहन यादव किस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार सॉफ्ट हिंदुत्व की बजाय हार्ड हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ने वाली है। दावा किया जा रहा है कि मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान से अलग अपनी छवि गढ़ने की कोशिश में जुट गए हैं। 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण करने के बाद यादव ने पहले अपने फैसले में पूरे प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर हटाने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए एक हफ्ते की मोहलत दी गई है। इसके लिए हर शहर में उड़न दस्ते गठित किए जा रहे हैं। सभी कलेक्टर और एसपी अपने अपने जिलों में धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर इस आदेश का पालन कराने में जुट गए हैं। एक सप्ताह बाद प्रशासन तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर जब्त करेगा, FIR भी दर्ज की जाएगी। कुछ इसी तरह का फैसला यूपी में योगी सरकार ले चुकी है, इसका ड्राफ्ट भी यूपी से ही मंगाकर तैयार किया गया है। लाउड स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही दिशा निर्देश जारी कर चुकी है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। यादव ने यह भी साफ कर दिया कि अगर सरकार सनातन की राह पर चलेगी, इसी तरह डीजे पर भी रोक लगाई है। इसके साथ ही यूपी की तरह ही एमपी में भी अब खुले में मांस मछली की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है। धार्मिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में इस तरह की दुकानें को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। सरकार के इस निर्णय का कई धार्मिक संगठनों ने स्वागत किया है। इसी तरह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि बुलडोजर वाले सीएम की भी बन चुकी है। एमपी में भी कानून व्यवस्था के लिए बुलडोजर वाला एक्शन लिया जा रहा है। नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसकी झलक भोपाल में हुई कार्रवाई में देखने को मिली। सीएम बनने के 24 घंटे के अंदर भोपाल जनता क्वार्टर में प्रशासन का हथौड़ा और बुलडोजर का एक्शन दिखा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने वाले 3 अल्पसंख्यक आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन का कहना है कि उन्होंने सिर्फ अतिक्रमण को हटाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।